मेरे को सर्व करके दे रही है। अच्छे से सर्व करना, ठीक है। अच्छा, ये हाफ एग है। बिरयानी लोगों का जो वीडियो अभी दे रहे हैं यूट्यूब में, तो मैं बिरयानी देख के मेरे को इतना मन किया कि मैं इधर आ गई। तो यस, आना मतलब क्या बोलूं, वाकई बहुत टेस्टी है। मतलब स्पाइस भी एकदम ठीक है, जो स्पाइसेस है सब कुछ एकदम ठीक है, ऑनियन स्प्रिंकल्स भी है, तो एकदम तो बढ़िया है। चिकन अभी टेस्ट करूँगी। जो फ्लेवर्स आ रहे हैं मुँह में, क्या बोलूं, ये थोड़ा खाने का ही देता हूँ। ये भी अच्छा है, बट विदाउट ये सब ग्रेवी भी ये काफ़ी अच्छा है। इसको ऑमिट भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, थोड़ा इसमें मसाला दिखा उन लोगों को। मेरा जो कैमरामैन है वो बिरयानी लवर में से एक है, बट बारिश में ये बिरयानी खाने का मजा ही कुछ और है। अमेजिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
অনলাইন এটা কত পড়বে 195 তো অনলাইন মে ইসকা প্রাইস হ্যায় 195 তো ঠিক হ্যায় আগর তুম ঘর সে আ রহে হো তো উসকা খরচা তো হ্যায় তো 195 ইটস ওয়ার্থ ইট एक भी है मेरे को इतना अच्छा लग रहा है मेरे को कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है Oh my God! Wow! मेरे लग रहा है कि मैं बोलती जाऊँ क्योंकि अंकिता अंकिता को भी खाने नहीं दे रही हूँ मैं ये देखो कितना सारा भर के दिया हुआ है लाइक क्या बोलूं एक ऑर्डर करोगे तो दो इजीली खा सकते हो तो खैर अभी हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे तो आज का छोटा सा रिव्यू तुम लोगों को कैसा लगा जरूर से बताना टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो अभी इधर के मैनेजर से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं उन्होंने एक कार्ड भी दिया है तो चलो थोड़ा सा उनसे पूछताछ कर लेते कि मेन्यूज वगैरह कैसे क्या क्या है और क्या क्या ऑप्शन है थोड़ा सा बात कर लेते हैं सो हाय अंकल तो हिंदी हिंदी में नहीं बोलती तो हिंदी में ही बोलती हूँ इजी होगा तो आपके मेनूज पे मतलब क्या क्या वैरायटीज है मतलब कौन सा मतलब हैदराबादी बिरयानी तो सबको पता है अच्छा तो वो छोड़ के कि क्या क्या पसंद ओ हाँ आपका नाम थोड़ा बता दीजिए हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जैसा कि मेरा नाम हुआ माफन रॉय मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं अगरतला में हमारा हैदराबादी मणिकांत हैदराबादी बिरयानी हाउस है ये एक्चुअली हैदराबाद का ओनर है ये अगरतला में पहले काउंटर है हमारा आगे भी दूसरा अभी खुलने वाले प्रोजेक्ट है दशहरा का जो दुर्गा पूजा का पहले हम खुलने वाले हैं अभी चाट भंडार भी खुलने वाले हैं और भी एक दो प्रोजेक्ट है हमारा कहाँ पे सिटी सिटी सेंटर के अंदर एक है बाहर भी है तो अभी जो है हमारा यहाँ पे जो मिलता है इडली डोसा वड़ा उत्तपम साउथ इंडियन डिश जो है ऐसे मिलता है प्लस हैदराबादी चिकन दम बिरयानी है प्लस इंडियन चाइनीज एंड तंदूरी आइटम है मगर अभी तंदूरी हम चालू नहीं किया है बट एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से हम पूरे आइटम चालू नहीं है अभी तो सबसे ज्यादा कौन सा चीज इधर हैदराबाद जो चिकन दमरे ये हमारा अच्छा सेल होता है अच्छा सेल है प्लस डोसा है उत्तपम ये सेल अच्छा है यहाँ पे प्लस चाइनीज आइटम भी है इंडियन आइटम भी सेल अच्छा है यहाँ पे बात तो अच्छी बात है एक जगह तो एटलीस्ट यहाँ पे बना है जहाँ पे बिरयानी तुम लोग को सबसे अच्छा कॉस्ट में और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है सफिशियंट था दो लोगों के लिए तो कार्ड में भी है अच्छा मेनू तुम लोग थोड़ा देख लो इधर प्राइसेस सब कुछ है देख रहे हो एंड इधर भी प्राइसेस है तो मेनली बिरयानी ही फेमस हुआ इधर का एंड आई सो वांटेड टू ट्राई आउट देयर बिरयानी एंड मुझे खा के सच में ही बहुत अच्छा लगा तो इसलिए मैं सोची कि इनसे भी बात कर लेती हूँ तो इजी होगा जानने में कि और क्या क्या कुछ प्लान्स वगैरह है कि नहीं बड़ा करके खोलने के लिए क्योंकि बिरयानी अच्छे सेल हो रहे तो ऑनलाइन डिलीवरी थी ऑनलाइन स्विगी जोमेटो इटो बोल के नया कंपनी का है कोलकाता का इटो कंपनी वो भी ये लगा है इटो बोल के उसमें भी तो सेल हो जाता होगा बिरयानी तो हम लोग को खाके बहुत अच्छा लगा और हम लोग जरूर से दूसरे लोग को भी रिकमेंड करेंगे तो मैं तो वीडियो डाल रही हूँ मेरा एक चैनल है यूट्यूब में तो आप अगर मैं पोस्ट करूंगी तो आप जरूर से देखना मेरे को तो खाके अच्छा लगा क्योंकि बहुत लोगों ने रिव्यू दिया था इससे कि ज्यादा स्पाइसी है तो हम दोनों को ठीक ठाक लगा मतलब ये बोली थी कि हैदराबादी बिरयानी हैदराबादी चिकन स्पाइसी होता है हमारा यहाँ बंगाल में क्या मैं बंगाली हूँ क्योंकि बंगला जो खाना बनता है यहाँ पे मीठा होता है और डिश में मिठाई होता है इसलिए उनको थोड़ा स्पाइसी ज्यादा लगता है नहीं एकदम ठीक है मगर जो फैमिली लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है बाकी जेंट्स लोग तो ठीक ही है बाकी जो यहाँ पे जो खाते हैं बिरयानी जो एक बार खाके दोबारा में यहाँ आना पड़ता है डेफिनेटली क्योंकि बाहर का जो टेस्ट है वहाँ का स्वीट डिश मिलता है जिसमें आलू रहता है चिकन का हमारे पास यहाँ पे आलू नहीं रहता है चिकन दम बिरयानी रहता है जो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनली बिरयानी एकदम नहीं पसंद एंड दम बिरयानी तो एकदम ही नहीं पसंद क्योंकि बहुत ज्यादा वो ड्राई मुझे लगता है बट ये वाला दम बिरयानी जब मैंने ट्राई किया ट्रस्ट मी इट वाज अमेजिंग मतलब 10/10 डेफिनेटली तो मैं और भी विजिट करने वाली हूँ एकदम
जरूर से विजिट करूंगा एंड तुम लोग को भी रिकमेंड करती हूँ कि तुम लोग भी आके जरूर से विजिट करना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो